की हर खबर फटाफट अंदाज में। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नाम के आगे से जोनस हटा दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके तलाक की अटकलें तेज हो गई थीं। अब प्रियंका ने इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं सोशल मीडिया पर एक भी तस्वीर पोस्ट करूंगी तो लोग जूम करके उसमें से कुछ न कुछ जरूर निकाल लेंगे। गुरुवार को अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल ने शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी मनाई। दोनों ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीर भी पोस्ट की। विकी और कटरीना ने अपने प्रशंसकों को मायूस भी नहीं किया और सुबह सुबह 4 बजे लोहड़ी की कुछ झलकियों के साथ अपनी ये खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी साझा की है, जिसमें मलाइका ने अपने ट्रोलर्स को जमकर जवाब दिया है। मलाइका ने कहा कि सच में 40 की उम्र में अगर आपको प्यार मिलता है तो इस चीज को सामान्य ही समझें। 30 की उम्र में नए सपने देखने और नई चीजों की चाह को भी नया न समझें। मलाइका आगे लिखती हैं कि आप 50 की उम्र में भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। जिंदगी 25 की उम्र में खत्म नहीं हो जाती। इस तरह के एक्ट करना बंद करो और लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो। अर्जुन कपूर से अपनी ब्रेकअप की खबरों के बीच मलाइका अरोड़ा ने ये शेयर किया है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पतंग उड़ाते हुए एक तस्वीर साझा की और अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। मकर संक्रांति के दिन अपने जीवन में नई खुशियां लाइए, बस विश्वास की डोर पकड़े रखना। अक्षय कुमार का ये संदेश उनके फैंस के लिए था। इधर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इन दिनों भक्ति में लीन है। कुछ दिनों पहले ही अभिनेता केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना की। अजय देवगन यहां पर काले कपड़े में देखे गए थे। उनके इस लुक को लेकर सब ने ये सोचा कि वो उनकी आने वाली फिल्म का अपकमिंग लुक है, लेकिन अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिससे साफ हो गया है कि वो सबरीमाला मंदिर गए थे। कंगना रनौत ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर समुद्र के किनारे एक तस्वीर साझा की और अपने प्रशंसकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री ने मकर संक्रांति सहित पोंगल और उत्तरायण की भी बधाई अपने फैंस को दी है। भूमि पेडनेकर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पतंग, तिल के लड्डू नजर आ रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह ने पिछले साल अभिनेता निर्माता जैकी भगनानी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रकुल ने बताया कि दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का फैसला आखिर क्यों किया था। अभिनेत्री रकुल कहती हैं कि हम दोनों का मानना है कि अपने प्रशंसकों से अपने रिश्ते के बारे में चीजें छुपाना सही नहीं है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।